रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि आज एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है ग्वार के, वो एक बार फिर से संभलते हुए नजर आए हैं। तो रविंद्र जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब ग्वार की प्राइसेस संभलती हुई नजर आ रही है, तो क्या एक बार फिर से ग्वार गम 10,000 के पार जाता हुआ नजर आ सकता है और ग्वार सिर्फ 6,000 के पार? देखिए, ग्वार को क्रूड प्राइसेस का भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसी वजह से ग्वार जो है ये बाउंस कर रही है। और जो करेक्शन इसमें ड्यू था, वो भी करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ लग रहा है, तो यहाँ से अगेन चांसेस हैं कि हम बाइंग जरूर विटनेस करेंगे। अभी इमीडिएट जो टारगेट रहेंगे ग्वार गम के लिए, वो 10,200 के रहेंगे। और वहीं ग्वार सीड की बात करें, तो ग्वार सीड में 6,000 से 6,100 के बीच में टारगेट ये कर सकती है कमोडिटी। जी रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी ग्वार की कीमतों को क्रूड के प्राइसेस का भी सपोर्ट है, अगर रविंद्र जी क्रूड के प्राइसेस टूटते हैं, तो क्या उसका इंपैक्ट एक ग्वार की कीमतों पर भी देखने को मिल पाएगा? जी, अगर क्रूड प्राइसेस में सेलिंग देखने को मिलेगी, तो चांसेस हैं कि ग्वार की जो कीमतें हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी जो पैटर्न्स, जो मेन ट्रेंड है ग्वार का, वो साइडवेज टू बेयरिश होता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ से ये कमोडिटी 6200 से 5800 की लंबी रेंज के बीच में ये स्टक करती है, तो चांसेस है कि अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अपसाइड में 6200 ग्वार सीड ब्रेक करता है, तो चांसेस है कि फिर ये अगेन 6600 तक के लेवल दिखा सकता है। जी,